हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बाप को कानपुर के प्रसिद्ध परमठ स्थित आनंदेश्वर बाबा के दर्शन कराने ले चलते हैं। सावन के पहले दिन कानपुर के सभी शिवालय बम बम भोले से गूंज उठे। कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर में कपाट खुलने से पहले ही भक्त कतार लगाकर मंदिर के बाहर खड़े होने लगे थे। कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगे भक्त बाबा के जयकार करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोरोना की वजह से कई दिनों से बाबा के दर्शन के लिए आतुर भक्तों के लिए आज इंतजार का वक्त खत्म हुआ। ये महाभारत काल से लेकर के आज तक जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनका मानना था कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं, उन्हीं को आस्था को लेकर के आज भी देश विदेश से लोग आते हैं। कानपुर के कोने कोने से लेकर के यहाँ तक कि पूरे विश्व से लोग सावन के महीने में हर सोमवार को एक भयंकर मेला जैसा लगता है। आज सावन के पहले सोमवार आनंदेश्वर बाबा के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। पट खुलते ही भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। यहाँ पर स्थित धन और संपन्न की देवी माँ वैभव लक्ष्मी के दर्शन के लिए भी भक्तों की भीड़ लगी रही। सावन के पवित्र माह में माँ वैभव लक्ष्मी का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मंदिर के आसपास तैनात है। भक्तों को कतार लगाकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर आप आनंदेश्वर बाबा के दर्शन के लिए नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, हमारे कैमरे के जरिए कीजिए बाबा के अद्भुत दर्शन। साथ ही आंखों को बंद कर बाबा को नमन कर अपने कष्टों को बाबा के चरणों में अर्पण कर दीजिए। संवाददाता लक्ष्मी चंद दीक्षित की रिपोर्ट, आनंदेश्वर मंदिर कानपुर, यूनिवर्सिटी।